उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग में लोकसभा स्तरीय केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो महायज्ञ शुरू हुआ है उसमें अपना पसीना बहाना ही मेरी सबसे बड़ी आहुति है। इस भावना के साथ ही प्रत्येक कार्यकर्ता को लोकसभा चुनाव में जुटना होगा। उन्होंने कहा कि अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को आर्टिकल 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण के बाद आगे भी बहुत से संकल्पों को पूरा करना है। उन संकल्पों से कार्यकर्ता भली भांति वाकिफ हैं, इसीलिए देश में नरेंद्र मोदी की सरकार जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कार्यालय खुलते ही आज से भाजपा का लोकसभा चुनाव का काम शुरू हो गया है। वहीं घर घर संपर्क शुरू करना है। संगठन ने जो कार्य योजना दी है उसका क्रियान्वयन समय पर पूरा करें। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे कांग्रेस का गढ़ है रहा है और यहाँ जब थर्ड फ्रंट होता है, जब वोट कटिंग हो जाती है, तब भाजपा की सरकार बनती है। कार्यकर्ताओं का पराक्रम है जिस पर सरकार बनती है। इस बार आप देख लीजिए, कोई वोट कटिंग नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी टकराहट कांग्रेस के साथ थी और प्रचंड मतों के साथ भाजपा के विधायक जीते हैं और आज तक की सबसे बड़ी संख्या के साथ विधानसभा इस क्षेत्र में जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। कहां भैया, कहां का तिकड़म, कहां का तिकड़म, कहां की ऐसी बात की वोट कटिंग होगी तो भाजपा आएगी किसी की दया पर? ना ना, भाजपा किसी की दया पर नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के पसीने पर, अपने कार्यकर्ताओं के ताकत पर आती है। ये बिल्कुल निर्धारित हो गया। भाजपा है मतलब कार्यकर्ताओं की ताकत।